नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कोटा जिले के इटावा के पास बुधवार सुबह चंबल नदी में नाव पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह 9 बजे के करीब हुआ, जिसमें 6 लोग लापता हैं। मृतकों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। नाव चालक तैरकर बाहर निकल आया है। बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से ज्यादा सवारी थी और सामान भी रखा हुआ था, इसी वजह से नाव पलट गई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हादसा सुबह 9 बजे हुआ। नाव में 30 लोग सवार थे। 9 शव नदी से बरामद कर लिए गए हैं। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव में 14 बाइक भी रखी गई थी। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने डूब रहे लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से कुछ लोग बह गए। पुलिस ने बताया कि ये लोग कमलेश्वर धाम जा रहे थे, मारे गए। ज्यादातर लोग गोठड़ा कला के रहने वाले हैं। हादसा चाणदा और गोठड़ा गांव के बीच हुआ। अच्छी बात यह रही कि मौके पर कई लोग मौजूद होने से राहत कार्य में मदद मिली और कुछ लोगों को बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने एक महिला की लाश नदी से बाहर निकाली। लोगों ने बताया कि लकड़ी की नाव की हालत पहले से खराब थी, इसके बाद भी क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाया गया था। साथ ही नदी पार करवाने के लिए नाव पर बाइकें भी बांध दी गई थी। इस वजह से नाव वजन नहीं सह सकी और डूब गई। लोगों को बचाने के लिए दूसरी नाव वहां तत्काल पहुंची। कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रशासन से हादसे की जानकारी ली। उधर कोटा से SDRF की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद आसपास के गांवों के लिए लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोग मदद के लिए आगे भी आए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।